नमस्कार दोस्तों, स्वागत है न्यूज टाइम में और आप हमारे चैनल को नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आज के समय में कंगना रनौत को कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है, वे एक के बाद एक विवाद में आ जाती हैं। लेकिन कभी यही स्थिति शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की थी, उनके विवाद स्टेज पर शुरू होते थे और कोर्ट कचहरी पर जाकर खत्म। उनके जन्मदिन के बहाने जानते हैं शिल्पा से जुड़े कुछ प्रमुख विवाद। 90 के दशक में शिल्पा शेट्टी का नाम बॉलीवुड के अक्षय कुमार से जुड़ा था। अक्षय से शिल्पा की पहली मुलाकात 1994 में फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के सेट पर हुई थी। 1997 में फिल्म जानवर की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बई। फिल्म धड़कन में अक्षय और शिल्पा ने एक साथ काम किया। उन्हीं दिनों एक खबर काफी चर्चा में थी कि अक्षय और शिल्पा शादी करने वाले हैं। लेकिन जब एक मैगजीन ने इस बारे में छापा तो शिल्पा इतनी नाराज हुई कि उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। 2003 शिल्पा शेट्टी के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। इस साल वे और उनका परिवार तब विवादों में घिर गया जब डरवर से उनके कथित रिश्तों की खबर आई। 2006 शिल्पा के लिए मुसीबत लेकर आया, उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा। मदुरई की एक अदालत ने शिल्पा शेट्टी और रीमा सेन के खिलाफ अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया। शिल्पा शेट्टी नस्लीय टिप्पणी की शिकार हो चुकी है। दरअसल सेलिब्रिटी रियलिटी शो बिग ब्रदर 5 के दौरान शिल्पा शेट्टी पर जेट गुडी ने कथित रूप से नस्लीय टिप्पणी की थी। एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेर ने शिल्पा शेट्टी को सबके सामने किस कर लिया था। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की दूसरी पत्नी है। राज की पहली बीवी कविता ने शिल्पा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब की है। दी के बाद भी विवाद शिल्पा शेट्टी के साथ साया की तरह चल रहे हैं। हाल ही में रवि बलौतिया नाम के शख्स ने राज और शिल्पा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके 24 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया।